हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इन यस्टरडे क्लास वी हैव डन व्हाट इज क्रॉप, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप दैट इज खरीफ एंड रबी, और साथ में ही हमने देखा था बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कैसे एक क्रॉप को ग्रो करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। देखा था हमने ट्रेडिशनल मेथड्स, साथ ही मॉडर्न डे में क्या किया जाता है। यूजिंग ग्लो एंड लूजनिंग द सॉइल इन द स्टेप विच इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज अ ट्रेडिशनल मेथड। प्लो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लो शाफ्ट है और जिससे ये अटैच होता है वो बीम होती है। इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट का नाम था विच इज़ हो, जो कि ब्लेड की तरह काम करता है। इसका ये जो पार्ट है, बेंट ब्लेड है, एक ब्लेड की तरह काम करती है और सॉइल को लूज करती है। ये मॉडर्न डे का प्लो समझ लीजिए आप, इसको भी एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाएगा। साथ ही हमने देखा था कि सोइंग में ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सोइंग की जाती है, आज हम देखेंगे मॉडर्न डे में सोइंग कैसे की जाती है। प्लो का मॉडर्न रूप जो ट्रैक्टर की हेल्प से होता है, दैट इज उसको नाम देते हैं कल्टीवेटर। ये था वो ट्रेडिशनल टूल जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पे आप सीड डालते जाएंगे और ये सोइंग होती जाएगी। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होगा, इस पोर्शन में यहाँ सीड्स होगा जहाँ से ये अलग अलग पॉइंट्स की तरफ डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लेड की तरह पोर्शन है जो सॉइल को लूज करते हैं, यहाँ से लाइंस की तरह सॉइल की प्रिपरेशन होगी। लाइंस बाय लाइंस सोइंग करने के लिए इसको अटैच किया जाता है, फास्ट काम हो जाएगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। इरीगेशन करने के बाद जब वीड्स निकलते हैं, उसके बाद स्टेप आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन्योर की। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओपन पिट है, एक बहुत खुले में एक गड्ढा है, पिट है, जहाँ पे आप काऊ डंग जो है वो रेगुलरली डाल रहे हैं, ठीक है, इसमें जा रहा है काऊ डंग, एनिमल वेस्ट, और साथ ही साथ इसमें लीव्स या छोटे मोटे प्लांट्स भी आप डाल रहे हैं, प्लस लीव्स। आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल कुछ महीनों के गैप के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी लगातार नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोजिशन होती जाएगी। इस वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती जाएगी नेचुरल प्रोसेसेस से और इसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस काम में हेल्प करेंगे और ये बनके तैयार हो जाएगा। इसका रंग फिर ब्लैक हो जाएगा और बिल्कुल बारीक हो जाएगा, ये आपने देखा होगा गांव में, इसे हम बोलते हैं मैन्योर। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जिसे ना तो प्लांट्स को किसी तरह का केमिकली, क्योंकि केमिकल नहीं है तो केमिकली नुकसान तो होगा नहीं इससे, साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। दिस इज मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर्स पहली बात ये होते हैं केमिकल कंपाउंड, केमिकली बनाए जाते हैं। इसमें कुछ तरह के कंपाउंड होंगे वो रिच होंगे,
जैसे कि यूरिया जो वाइट कलर का होता है, मोस्टली किसान जो है वो बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेथड्स मैन्योर के अलावा और क्या ऐड करते हैं, फर्टिलाइज़र यूरिया या फिर कई बार ये रिच होता है, जैसे यूरिया तो नाइट्रोजन में रिच होता है, कुछ और तरह के होंगे वो फास्फोरस में होंगे, पोटेशियम में होंगे, तो इस तरह के अलग अलग सॉइल की नीड के हिसाब से फर्टिलाइज़र होते हैं जो हमारे केमिकल कंपाउंड हमारे सॉइल को जिस भी केमिकल की कमी होगी उस हिसाब से अगर हम वो वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। आजकल क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं, सर्वे होता है सॉइल का, उसके बेस पे सॉइल कार्ड तैयार किया जाता है कि आपके एरिया की आपके खेतों की सॉइल का टेक्सचर और उसका नेचर किस तरह का है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी पाई जा रही है। जब एक बार न्यूट्रिएंट की कमी डिटेक्ट हो गई तो उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र सिलेक्ट किया जाएगा या फिर आपके ऑर्गेनिक मेथड से वो बायो डिकम्पोजिशन वाले मेथड से वो आपको अर्थवॉर्म्स प्रोवाइड करवाते हैं जो बहुत फास्ट मैन्योर बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होगा और आपकी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आ जाते हैं इनके डिफरेंस के ऊपर। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक मीन्स ये मैन मेड प्रिपेयर्ड है, इसमें केमिकल्स एडेड हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग या फिर प्लांट रेजिड्यूज, उनसे बनेगा। फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में और मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है फील्ड्स में, ओपन पिट्स में। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। जैसे कि केंचुआ है, एक तो वो लगातार मूव करता रहता है, सॉइल को ढीला करता है, जो प्लांट की रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। पर फर्टिलाइज़र जो है वो किसी तरह का ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को, तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी। कुछ टाइम आपको रिजल्ट आएंगे कि आपकी क्रॉप जो है वो अच्छी ग्रो हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम आप अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में से डालेंगे तो ये आपकी सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा। ह्यूमस इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस, जैसे कि वो डीप कंपोजिशन ऑफ अर्थवर्म से मिलता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल, ये ह्यूमस देता तभी तो इसका कलर ब्लैक होता है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आपको बता ही दिया। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, बट वो फिर भी प्लांट के लिए हेल्दी है। आज के लिए बस यहीं तक, इनके कुछ और एडवांटेजेस देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।